लालची मछली वाला। कोसला नाम का एक गांव था, वहां रॉकी नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत आलसी था, इतना ही नहीं किसी को काम करते देखता तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। उसी गांव में उर्मिला नाम की एक लड़की थी। वो पढ़ी लिखी थी पर पिताजी की तबीयत ठीक नहीं था, तो इसीलिए वो खुद तालाब से मछली पकड़कर घर घर जाकर बेचती थी। रॉकी उस लड़की को छेड़ता रहता था। एक दिन रॉकी के पिताजी लालू रॉकी से, बेटा रॉकी तुम मेरी एक मदद कर दोगे? मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पहले काम बताओ। कुछ खास नहीं है बेटा, मैं किसी जानवर के नाम से गाली दूं तो उस जानवर का अपमान करना होगा। तुम्हें गाली देने के लिए तुम ही किसी जानवर का नाम बोल दो ना बेटा। इसमें सोचने वाली क्या बात है पिताजी, लालू के बेटे कह के गाली दो बस, सिंपल भी है और अच्छा भी है। जूते मारूंगा, अपनी ये ज्यादा होशियारी मुझे ना दिखाना। सुना है तुम उस उर्मिला को छेड़ते रहते हो, उस लड़की को देखकर सीखो। लड़की है पर लड़कों की तरह खुद ही मछली पकड़ती है और घर घर जाकर बेचकर अपने परिवार को चलाती है। ये सुनकर रॉकी गुस्से से बाहर चला गया। वो तालाब के पास गया और मछली पकड़ रहे उर्मिला से रॉकी, अरे क्यों उर्मिला, मेरे पिताजी तेरी बड़ी तारीफ करते हैं और मुझे गाली दे रहे हैं, कहीं तुमने शिकायत तो नहीं किया कि मैं तुम्हें छेड़ता हूँ? अरे तेरे इस कमीनेपन के बारे में सारा गांव जाता है, बेवकूफ गधे की तरह बड़े हो गए हो, शर्म नहीं आती? कोई काम क्यों नहीं करते? पूरे गांव में तुम ही निकम्मे हो। अरे ये क्या, ऐसे गाली दे रहे हो जैसे अपने पति को गाली देता है कोई, कहीं मेरे से शादी करने का इरादा तो नहीं है? देख लो पहले ही कह देता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें ही कमा कर खिलाना पड़ेगा। अगर ये नौबत आई तो मैं तुम्हें चूहे की दवाई देकर मार डालूंगी, पर शादी नहीं करूंगी, कहकर वहां से चली गई। तुम मेरा अपमान करती हो, मैं भी मछली का धंधा शुरू करता हूँ और खूब बेचूंगा, तब देखता हूँ कौन तुमसे आकर खरीदता है। पर मुझे तो मछली पकड़ना आता नहीं है, क्या करूँ? अरे हाँ, बिजली का झटका देते हैं तब सारे मछली मरकर ऊपर तैरेंगे, तब सब पकड़कर बेच डालूंगा। तो अगले दिन तालाब के पास आया, बिजली का झटका दिया तो उन्हें पकड़कर बाजार में ले जाकर सस्ते दामों में बेचा। सस्ते में बेच रहा था तो लोगों ने आकर खूब खरीदा, नतीजा ये हुआ कि उर्मिला का धंधा ठप हो गया। ये देखकर रॉकी उर्मिला को और सताने लगा। अगले दिन तालाब के पास जाकर बिजली के तार डालने ही वाला था कि तालाब के अंदर एक मछली बाहर आई। ओ आलसी, ठहर जाओ, ऐसा करोगे तो तालाब की सारी मछलियाँ मर जाएंगी, ये बिजली के तार के झटके क्यों? अरे वाह, मेरे झटके से तुम लोग भी बोलने लगे? अरे झटका वटका कुछ नहीं है, मैं मछलियों का राजा हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तुम्हारे बिजली के झटके के कारण कुछ मछलियों को बुखार हो गया है और थोड़ा शॉक लगा तो मर भी सकते हैं, यही बताने आया था मैं। मरे तो मेरी बला से, दूसरे तालाब में जाकर शॉक दूंगा, मेरा कौन सा नुकसान हो रहा है? तब मछली अपने मन में, अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, इसे सबक सिखाना होगा नहीं तो हमारे जान पर आन पड़ेगी। यूं सोचकर मछली रॉकी से, देखो बेटा मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, इस तालाब के मछलियों की एक खासियत है, इनके शरीर में हवा भरोगे तो वो फूलते रहेंगे, तब तुम्हें बिजली के झटके देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर रोज थोड़े थोड़े ले जाकर बेचो। मेरा नाम रॉकी है, तुम मुझे रॉकी भाई बुलाना, मैं कल से तुम्हारे पास आकर रॉकी भाई कह के बुलाऊंगा। तालाब से मछलियां अपने आप उछलकर मेरे टोकरी में आकर गिरना होगा, वरना फिर से झटके ही झटके बिजली के। तब कुछ मछलियां उछलकर आकर उसके टोकरी में गिरी, तब रॉकी उन्हें दुकान पर ले गया, उनमें हवा भरकर बेचने लगा। जिन्होंने उसे खरीदा वो घर जाकर देखते तो मछली छोटी हो जाती। एक दिन उर्मिला तालाब के पास गई मछली पकड़ने, तो मछलियों के राजा ने आकर उर्मिला को रॉकी के हवा भरने की बात कही। उर्मिला ने जाकर गांव वालों को ये बात बताया। जब वो लोग रॉकी के पास आए तो उन्होंने देखा कि रॉकी मछलियों में हवा भर रहा था। ये देखकर लोगों ने उसे पकड़कर उसे हवा भरने लगे, बस रॉकी भी गुब्बारे की तरह फूलने लगा। भैया ये उन मछलियों को खूब तंग कर रहा है, इसे भी जब हवा कम हो तो मारना चाहिए, तब इसे अक्ल आएगी। तो जब भी रॉकी का हवा कम होता तो लोग आकर उसमें फिर से हवा भरते। तालाब की मछली और उर्मिला दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल। चंदानगर नाम के गांव में दो मित्र हुआ करते थे, उनमें से मानिकलाल बहुत धनवान था।
और धर्माराम नाम का आदमी बहुत गरीब था। उन्हें जब भी खाली समय मिलता तो वे दोनों मिलकर बातें करते थे। दोनों के 3 साल के लड़के थे। मानिकलाल के बेटे का नाम मंगालाल और धर्माराम के बेटे का नाम सीताराम था। एक दिन दोनों रोड पर चलते हुए एक दूसरे के सामने आए। दोस्त, मैं तुमसे मिलने के लिए निकला था। मेरा बेटा अब 3 साल का हो गया है। स्कूल में भर्ती कराने के लिए सोच रहा हूँ। तेरे बेटे को भी स्कूल में भर्ती करोगे ना? कौन से स्कूल में ज्वाइन करवा रहे हो? तब मानिकलाल घमंड से, हाँ तुम्हें बताना भूल गया, मेरे बेटे को पीके स्कूल में सीट मिला है रे। पीके स्कूल मतलब पैसे कमाओ स्कूल कहते हैं। 5 लाख का डोनेशन मांगा है। इंटरव्यू के लिए मैं और मेरी पत्नी बहुत मेहनत किया रे। तुम्हारी बेटी की सीट के लिए तुम लोगों का इंटरव्यू हुआ? हाँ रे, हम 30 दिन में इंग्लिश कैसे सीखना है उस पर किताब खरीद कर बहुत प्रैक्टिस किए। यस नो ऑल राइट कहते हुए मैनेज कर लिए। हमारे बेटे को तो ABCD पहले से ही सिखाया हुआ था, इसलिए वो पूछते ही हमारे बेटे ने ABCD फटाफट बोल दिया। बेटे के लिए तुम्हारा क्या इंग्लिश सीखना? स्टूडेंट वो है या तुम लोग? और वैसे ही ABCD सिखाएंगे? सोच कर ही तो वो स्कूल में भर्ती कराते हैं, वो सब तुम लोगों ही सिखा रहे हो, तो उस स्कूल का क्या काम? बोले बच्चों को लेकर बुद्धि सिखाने की बजाय ऑलरेडी बुद्धिमान बच्चों का इंटरव्यू लेकर ज्वाइन करवाए तो उसमें क्या महानता है? वैसे ही फीस कितना है? बाप रे, वो जानकर क्या ही कर लोगी। हर महीने का फीस 15,000 है, ट्यूशन फीस 5,000, बस फीस 7,000 और किताबों के लिए 3,000। इनके अलावा कैंटीन फीस, एक्सकर्शन फीस ऐसे बहुत है। पूरे महीने की कम से कम 45,000 हो रहा है। वैसा तेरे बेटे को कहाँ ज्वाइन करवा रहे हो? क्या महीने का 45,000? हे भगवान, मुझे इतनी हैसियत नहीं है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करवाऊंगा, वहाँ तो कोई फीस भी भरने की जरूरत नहीं है। ऊपर से दो पैर का खाना भी मुफ्त है। ऐसे चीप गवर्नमेंट स्कूल में क्या भर्ती कराओगे? वहाँ सारे सब्जेक्ट को मिलकर एक ही टीचर होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग टीचर होता है। वहाँ स्पोर्ट्स टीचर भी नहीं होता है, ग्राउंड नहीं होता, हॉबी क्लासेस नहीं होता। रे, हम जब छोटे थे तो हमें सारे सब्जेक्ट्स एक ही टीचर ने सिखाया था, वो मत भूलो। और स्पोर्ट्स का क्या है रे? स्कूल के बाद जो उसे पसंद है वो खेल में लग जाएगा, गाँव पूरा ग्राउंड ही तो है। इस तरह कुछ साल बीत गए। बच्चे दोनों बड़े हो गए। एक दिन धर्माराम अपने बेटे सीताराम को लाकर मानिकलाल के पास आया। वहां मंगालाल भी था। हाँ आओ मित्र आओ, तुम्हें एक बात पता है? मेरे बेटे को IIT में सीट मिला है रे। 5 लाख खर्च करके कोचिंग सेंटर से कोचिंग दिलवाया था। पूरे इंडिया में कई लोगों ने ये परीक्षा लिखा, लेकिन सीट्स तो बहुत कम है। एग्जाम में कंपटीशन ज्यादा होने के कारण मेरे बेटे को जरा कम मार्क्स आए, इसलिए मैनेजमेंट कोटा में सीट लिए, 30 लाख रुपया भराया। उसमें क्या है, करीब 4 साल में मेरे बेटा IIT फिनिश करके इंजीनियर बन जाएगा और अमेरिका या कहीं चल जाएगा। बेचारे तुम्हारे बेटे को क्या हाल है रे? एंट्रेंस में तो फेल हो गया होगा, तो आगे क्या करने की इरादा है? वही बात बताने आया था दोस्त, मेरे बेटे को IIT में 4th रैंक आया है। आप जैसे डोनेशन देकर सीट खरीदने की हैसियत हमारी नहीं है ना, इसलिए मेरे बेटा बहुत मेहनत करके एक प्लान के मुताबिक पढ़ाई किया। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर मेरे बेटे को विद्या सीख कर उसकी मदद किए और प्रोत्साहित भी किए। उनकी दया की वजह से ही मेरा बेटा ये कर पाया रे। मुझे माफ करो मेरे मित्र, पैसों की घमंड में पढ़ाई भी खरीद सकते हैं, ये मानने की भूल कर बैठा। गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उल्टा सीधा कहा। हीरा मिट्टी में भी अपनी हेमियत नहीं खो सकता, ये तुम्हारी बेटे ने साबित कर दिखाया। कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट मिस्टर मंगालाल, विश यू ए वेरी ब्राइट फ्यूचर।